हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshadmedia फॉर लेटेस्ट मुशायरा एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और जो नए नए मुहावरे गजल में इस्तेमाल किए, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैंने उन्हें पहली बार सुना और ये मेरी बदनसीबी थी कि मैंने उन्हें अब तक नहीं सुना था। मैं मुबारकबाद दूंगा मंसूर साहब को, शम्स तबरेज़ साहब को, कमर भाई को, जिन लोगों ने इतने खूबसूरत से शायर से मुझे रूबरू करवाया। और अब मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी जल्दी बहुत बार सुनूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोशिश करूंगा कि पूरा हिंदुस्तान मेरी तरह आपको सुने। बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे अशआर पढ़े दोस्तों। आइए, मुझे पता है सिर्फ दो नाम बचे हैं, आलोक भाई और मैं, लेकिन आलोक भाई मुझसे बड़े हैं और उनका हुक्म है कि पहले आपके चक्कर में हुकूमतें चली गई, आज नंबर जो है वो आलोक भाई का है, आखिरी मुहर मुझे लगानी है, ऐसा मंसूर भाई ने मुझे बता रखा है। आप बिल्कुल, एक घंटे का पूरा मामला और है, तो इसमें पहले वो पढ़ ले या पहले मैं पढ़ लूं? आलोक भाई, मेरी भी बात का भरम रख लीजिए, आलोक भाई पढ़ लें इंशाल्लाह। उसके बाद आलोक भाई, अब उसके बाद दुनिया के तमाम शहरों में अपनी गजल का जादू चलाया। हाल के दिनों में वो अमेरिका रहे, वहां भी उनकी गजलें बहुत सुनी गई, सराही गई। बहुत तो खूबसूरत शायर और एक बड़े टीवी चैनल से जुड़े हुए आलोक श्रीवास्तव साहब को आवाज देता हूँ कि आए और आपसे रूबरू रहें। बाहर के मेहमान को दरभंगा कैसे बुलाता है ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जोरदार ताली बजा करके आलोक भाई को आवाज। सबसे पहले आप खुदा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हजरत आपका कि आपने इस डूबते मुशायरे को बचा लिया। मैं चाहता हूँ आप एक बार जोरदार सवाल करें। हम दुनिया में मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों घूमते हैं। इमरान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग अक्सर हम सफर होते हैं और हम अक्सर उर्दू को लेकर बड़े खौफजदा होते हैं, क्योंकि ये जो निज़ाम है इसके हाथ में तलवार है और उसके नीचे उर्दू है। मैं अपना एक बहुत कीमती मतला जो मैंने अपने वालिदैन के लिए कहा था इस मुशायरे की कामयाबी के सिरमौर रजत की नजर करता हूँ, वहां से अपना कलाम पेश करता हूँ कि असर मैं और इमरान आप सबके सामने बैठे हैं, हम आपके बच्चे हैं, दुनिया हमको नवाजती है अपने कलाम के लिए, लेकिन अगर ये बुजुर्ग ना हो तो सच मानिए हमारा कोई वजूद नहीं। बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है असर। थोड़ी देर को मुशायरा बना दीजिए। मुझे मंसूर भाई ने बताया था कि दरभंगा में बहुत खूबसूरत शायरी सुनी जाती है, मेरे कदम रखा रहे हैं कि इससे पहले मैंने शायरी नहीं सुनी। अर्ज करता हूं कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से छापता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से छापता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से छापता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती, गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती, हमारी किस्मत का हर सितारा उसे जेवर से झांकता है।
हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक सेवा से छापता है, और आप सब जिसकी पांच वक्त इबादत करते हैं, मैं तीन दफा पूजा करता हूँ उसको, ये शेर लर्द न जिसम कोई, मुझे लगना चाहिए कि मैं दरभंगा में पढ़ा हूँ, न जिसम कोई न दिल न आंखें, और ये जादूगरी तो देखो, न जिसम कोई न दिल न आंखें, मगर ये जादूगरी तो देखो, हर एक शहर में धड़क रहा है, हर एक मंजर से झांक रहा है, मगर ये जादूगरी तो देखो, हर एक शहर में थक रहा है, हर एक मंजर से झांकता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, टीवी में नौकरी करता हूँ, बहुत प्यार से इमरान ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, मेरा भाई है। अपने लोग अपनों का ख्याल ज़्यादातर नहीं रखते। एक दफ़ा मुझे मेरे चैनल से हुक्म हुआ कि जाइए गालिब की मज़ार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा चैनल आज तक है। वो पहुँचने से पहले वहाँ गालिब की मज़ार पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया, तो हमारा जो कैमरा पर्सन था उसने कैमरा पैन करना शुरू कर दिया, तो वो डर गए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, वो दौड़ के आ गए और बोले, मेरे कैमरा पर्सन ने पूछा कि ये गालिब की मज़ार पर सब आपने कर रखा है, तो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ सब हम ही ने कर रखा है, तो गालिब तो कुछ करके गए नहीं। एक मतलब एक शेर, मैं जिस विरासत से आता हूँ, जिस गंगा जमनी तहसीब से मैं आता हूँ उसके पढ़ता हूँ, और उसके बाद जहाँ तक आप भी करेंगे हमें इमरान को सुनना है। जैसे पूरे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होता है, हम इनके साए साए गज़ल सुनाने आए हैं। अर्ज करता हूँ कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया, सारा बेहतरीन है तो उतनी दाद देगी। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, मैं नौजवानों तक भी आऊंगा, जरा बुजुर्गों से सफर आगे बढ़े, क्योंकि इनको मुतमईन करना ज्यादा जरूरी है, इनके गाँव के सारे सारे आप तक आऊंगा। आपने खिलाफ लगा क्या है तो आपके बुजुर्ग के सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, अच्छा हुआ ये खुद की लहू में उतर गया। ऐसे शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अमूमन मुशायरों में हम नहीं सुना पाते, और कोई लफ्ज बताने की आपको जरूरत नहीं है सरदार निशमत। अर्ज कहता हूँ कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, शेर सुनिएगा, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, बहुत अच्छे, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, और ये शेर देखें कि ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, मुझे लगना चाहिए कि दरभंगा में पहुंचा, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम में बाहर चले, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यही संभाल के पहना यही उतार है, ये जिस्म क्या है कोई पैरहन उधार का है, यही संभाल के पहना यही उतार चले, और उस पाक परवरदिगार से फिर एक शर्त,
कि अगर नवाज रहा है तो यूं अरे है चलिए, मुझे तो लगता था आप शायरा हमारी जो बहने हैं उन्हीं को सुनते रहे हैं, इस कमजोर से शायर को भी आपने सुन रखा है, बहुत मजबूत। अगर सफर में मुझे जरा सबक दे दीजिए, मैं बहुत संजीदगी से पढ़ता हूँ भाई, माहौल बना दिया है, बस 10 मिनट लूंगा उसके बाद मैन ऑफ द मैच बैठे हुए हैं, उनको सुनना है हमारे बड़े अब्बा गजल के हजरत अमीर खुसरो साहब, उनकी गजल है, उनका मशहूर रहता है ज़िहान रिस्की वो अंदर आपको दुराए नैना बनाए रखी। जी जी भाई साहब, ऐसे तो मत करो कि जैसे धमकी दे रहे हो। जी जी यार मुझे यहाँ ऐसे ही फरमाइश करते हैं, मुझे इजाजत है आगे पढ़ते हैं। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम में बहार चले, जिस्म क्या है कोई पायरहन उधार का है, यही संभाल के पढ़ना यही उतार चले, और ये शेर देखें कि अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, वाह वाह, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, ये मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले, और शेर देखे बस कहता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, आपको अक्सर भाभियों से डांट पड़ती होगी, बाजार में नए मटक्का आप करते हैं, वो बेचारी घर में बैठी रहती है, लेकिन जब कभी ऐसी शिकायत आप तक पहुंचे तो एक SMS उनको डालिए, शेर अर्ज किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कर दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कर दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं, और एक बता इसलिए यूं के जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छू जाता है, मुझे जनता का मुजाहरा देखे बैठे हो गया, जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छू जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब रहा है, नदी का साथ देता हूँ यार पढ़ लेने दो यार, काहे पीछे पड़े हो, आधा लिखा तो मंसूर भाई इन्हीं को देना, जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छू जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब जाता है, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, आपके दरभंगा की और मेरे विदिशा की सच्चाई, जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर रुक जाता है, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है, मेरे गजल के बोल पर अमीर का जिक्र हुआ, हरी किसी ने किया, बड़ा कमजोर सा जिक्र था, मैं एक शेर पढ़ता हूँ उनको खराज अकीदत के तौर पे, अर्ज करता हूँ कि बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, वाह वाह समझ गए, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझमें नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझमें नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, और हम जो उर्दू के लिए मुहाफिज की तरह लड़ते हैं उन तमाम लोगों को नजर करता हूँ, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझमें नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आए थे मीर ख्वाब में कर डांट कर गए, आए थे मीर ख्वाब में कर डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, गजल का हुक्म हुआ है मैं गजल पढ़ देता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कौन मशहूर लेता है आप सबके, आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने सुना होगा, अपनी हम सब तालिबे इल्म हैं, हमसे गुजरा है, ज़िहारे इसकी मुकुंद तलाफ़ दुराए नैना बनाए रखियाँ, किताबे हिजरान दादा ने जाना ले मुकाले लगाए,
इसलिए किस्सा आता है कि सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। बस कहता हूं और हम सब उसके लिए दुआगो हैं और नजदीक बस कहता हूं कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। मतलब आपकी दुआएं चाहता था, मैं चाहता हूं एक बार आप दुआओं से नवाज दीजिए ताकि मैं ये गजल पूरी करके और फिर सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी नदियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है, वो सुनना चाहे जुबा से सब कुछ मैं करना चाहूं नजर से बताया। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है, वो सुनना चाहे जुबा से सब कुछ मैं करना चाहूं नजर से बतिया। और ये शेर गजल का शेर आपके दरबार में नजर अर्ज करता हूं कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें दौड़ती चली, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें दौड़ती छतियां। और गजल का आखिरी शेर जो गजल का भी शेर है, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न ताल बोले न मोर नाचे न कू की कोयल न चटकी करी। तरीका तो बहुत अच्छा है गाने का, लेकिन मुझे मेरे दोस्त जिसने मुझे यहाँ आने की दावत दी हुक्म दिया, एक बहुत बड़ा काम होता है जब किसी के घर में अल्लाह मियाँ नई रोशनी भेजता है, नई कॉपर फूटती है, एक औलाद होती है। अरे वाह। और किसी भी सहाफ़ी के लिए, किसी भी शायर के लिए, किसी नकार के लिए, किसी राइटर के लिए, किसी ऑथर के लिए सबसे बड़ा जो उत्सव का दिन होता है, सबसे बड़े जो जश्न का दिन होता है, वो दो होते हैं, या तो उसके घर औलाद पैदा हो या उसका कोई नया मजमू एहतराम है। मैं बहुत खुलूस बहुत एहतराम के साथ मंसूर भाई को बुलाता हूँ अपनी नई किताब अपने नए मजमू के साथ कि वो आएँ और हम सब उसका रस्म इजरा करें और आप सब उसमें शरीक हों। बस दो मिनट का वक्त, उसके बाद मेरे भाई जिसके लिए मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ डॉक्टर बशीर वाली का, वो सुनते चलिए कि सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है।